वेलकम टू माय चैनल साइंस विद मौसमी. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस क्लास 8 चैप्टर 14 पार्ट 2 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर इट, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट चैप्टर अपलोडेड बाय मी. ओके, लेट्स स्टार्ट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 2. Small amounts of mineral salts present naturally in water are beneficial for human health. तो human health के लिए ये छोटा सा amount of जो mineral salts water में dissolve होके रहता है वह बहुत हितकारी होता है, यानी कि हमारे लिए बहुत beneficial होता है. However, these salts make water a good conductor. और इसी salt की वजह से water जो है वो good conductor of इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है. सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स और व्हाइल स्टैंडिंग ऑन ए वेट फ्लोर. तो फिर अब आपको पता चला, पहले हमको बताया गया था कि हम वेट हैंड में किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करते हैं तो हमको लोग मना करते हैं. क्यों मना करते हैं? क्योंकि ये नॉर्मल वाटर जो होता है, यानी कि विच इज नॉट डिस्टिल वाटर, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. व्हाई? बिकॉज सॉल्ट मिनरल सॉल्ट डिजॉल्व इन इट एंड इट कैन कंडक्ट वाटर इलेक्ट्रिसिटी बेटर. वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर मेक इट ए गुड कंडक्टर. हमको हमने ये देखा कि जब सॉल्ट कॉमन सॉल्ट हमारे खाने वाला सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व होता है तो फिर वो उसको अच्छा कंडक्टर बना ही देता है वाटर को. तो व्हाट आर द अदर सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर मेक इट कंडक्टिंग? लेट अस फाइंड आउट. तो ऐसे और कौन कौन सा चीज है जो कि वाटर में डीजल होने से उसको अच्छा कंडक्टर बना देते हैं, आइए देखते हैं. क्वेश्चन, डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, पेरेंट और सम एल्डरली पर्सन बिकॉज द यूज ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व. हम जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसके लिए हमको किसी टीचर या पेरेंट्स का मौजूदगी में ही वो करना है, नहीं तो एसिड हैंडल करना बच्चों के लिए सेफ नहीं होता है. आइए देखते हैं एक्टिविटी 14.5. टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ बोटल्स. 3 बोतल का 3 प्लास्टिक कैप लीजिए और पोर अबाउट 2 टीस्पून ऑफ डिस्टिल वाटर इन ईच ऑफ देम. तो सभी में 2 टीस्पून ऑफ डिस्टिल वाटर डालिए और तीनों में हमको क्या क्या डालना है. पहले में हमको डालना है ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डिस्टिल वाटर इन वन कैप. पहले सेकेंड और थर्ड 3 वाटर बोतल का कैप रखा गया है जिसमें हमने डिस्टिल वाटर लिया. फिर उसके बाद एक के बाद एक क्या क्या डालते जाएंगे. पहले में हम डालेंगे डिस्टिल वाटर के साथ साथ लेमन जूस या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सेकेंड में नाउ द सेकेंड कैप कंटेनिंग डिस्टिल वाटर एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस सच एज कास्टिक सोडा एक बेस डालेंगे या फिर पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे और एड ए लिटिल शुगर टू द डिस्टिल वाटर इन द थर्ड कैप एंड डिजॉल्व इट. तो फिर तीनों में ये सब डाल के पहले में लेमन जूस, सेकेंड में कास्टिक सोडा एक बेस है और थर्ड में हमने डाला शुगर. टेस्ट दी व्हिच सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हिच डू नॉट. What results do you obtain? ऐसे में हम देखेंगे कि कौन सा में अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है और किस में नहीं हो पा रहा है. Most liquids that conduct electricity are solutions of acid, bases and salts. हमने देखा कि जो जो भी लिक्विड अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं वो solutions of acid होता है, बेस होता है या फिर salts होता है. तो फिर हमने यही सब तो लिया है. When an electric current flows through a conducting solution, Does it produce an electric effect on the solution? तो फिर जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं इसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन के बीच तो उसका एक इफेक्ट सॉल्यूशन में होता है. तो फिर वो क्या होता है, वो कौन सा इफेक्ट होता है? वही होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो दिस इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो फिर रियल में बी अटेंटिव, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इट. In class 7th, we have learned some defects of electric current. हमने electric current का क्या effect होता है वो हमने class 7th में पढ़ा है.
कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट्स? तो फिर वो सब क्या क्या है? व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोस थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन? एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन के बीच जब इलेक्ट्री फ्लो करता है तो फिर क्या होता है? लेट अस फाइंड आउट. चलिए देखते हैं एक्टिविटी 14.6. टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम टू डिस्कार्डेड सेल. दो डिस्कार्डेड सेल में से दो कार्बन रॉड निकाल लीजिए. क्लीन देयर मेटल कैप्स विथ सैंड पेपर. उसका मेटल कैप को क्लीन कर दीजिए और सैंड पेपर से क्लीन कर दीजिए. रफ कपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स एंड ज्वाइन देम टू ए बैटरी. अब आप उसके मेटल कैप जो है उसमें आपको क्या करना है, कॉपर वायर को रैप करना है एंड ज्वाइन देम टू बैटरी. उसके साथ साथ आपको फिर उसको बैटरी के साथ ज्वाइन करना है. वी कॉल दीज टू रॉड्स इलेक्ट्रोड्स. अब इसी दो रॉड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड. किसको? जो हमने कार्बन रॉड्स लिया था वो अब बन गया हमारा इलेक्ट्रोड. इंस्टेड ऑफ, देखिए ये है वो फिगर, यह है दो कार्बन रॉड जो बन गया इलेक्ट्रोड. इसका मेटल कैप जिसमें हमने वायर रैप किया है और ये हम पानी में लिए हैं और पानी में लेते वक्त उसको पूरा ही ऐसी इतना ही पानी रखना है ताकि उसका मेटल कैप जो है वो ना डूबे. तो इंस्टेड ऑफ कार्बन रॉड्स यू मे टेक टू आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो फिर जरूरी नहीं कि आप हमेशा वही लेंगे, अब उसके जगह आयरन नेल्स भी ले सकते हैं. पोर ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए ग्लास प्लास्टिक बाउल. तो फिर एक कप फुल ऑफ एक वाटर डालेंगे, उसमें एक कप वाटर डालेंगे और एड ए टी स्पून ऑफ सॉल्ट और ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग. और उसमें हमको थोड़ा सा सॉल्ट मिलाना है या फिर थोड़ा सा लेमन जूस मिलाना है ताकि वो बहुत अच्छे कंडक्टर बन जाए, कंडक्टिंग सॉल्यूशन बन जाए. नाउ इमर्ज द इलेक्ट्रोड इन दिस सॉल्यूशन. अब दोनों इलेक्ट्रोड को उसी सॉल्यूशन में डुबाना है. मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द मेटल ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर. हमने कहा था कि वो दो रॉड को ऐसे रखिए जैसे वो पानी में डूबे नहीं, जैसे उसका मेटल कैप वो ऊंचा में ही रहे, पानी की ऊंचाई में ही रहे. वेट फॉर 3 to 4 minutes. अब आप 3-4 मिनट वेट कीजिए. ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड केयरफुली. अब आप देखिए कि इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है. Do you notice any gas bubbles near the electrode? आपने क्या ये देखा कि इलेक्ट्रोड के पास कुछ गैस ऐसे बुदबुदा रहा है, बुलबुला रहा है? Can we call the change taking place in the solution a chemical change? क्या ये चेंज को हम केमिकल चेंज बोलेंगे? Recall the definition of a chemical change that you learned in class 7th. तो फिर केमिकल चेंज किसे कहते हैं? केमिकल चेंज में एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक से क्वाइट डिफरेंट होता है. तो फिर केमिकल चेंज में और क्या क्या हो सकता है? न्यू गैस निकल सकता है, न्यू कुछ अजीब सा स्मेल निकल सकता है, कुछ साउंड निकल सकता है या फिर कलर चेंज हो सकता है. ये होता है केमिकल चेंज. तो फिर आइए बॉक्स में क्या है थोड़ा देख लेते हैं. इन 1800 ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकल्सन 1753 to 1815 हैड शोन दैट इफ इलेक्ट्रोड्स वेयर इमर्स्ड इन वाटर. अगर इलेक्ट्रोड को पानी में डुबा जाएगा एंड करंट वाज पास्ड और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो क्या होगा? बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वेयर प्रोड्यूस्ड. ऐसे में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा. तो फिर ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस होगा? ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड. हमने देखा कि जहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्टेड हुआ है उसी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन निकल रहा है और जहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल हुआ है वहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा है. हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड. हाइड्रोजन बबल नेगेटिव टर्मिनल में बुलबुला रहा है. तो द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेस केमिकल रिएक्शन. जब भी किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो फिर केमिकल रिएक्शन होता है. एज ए रिजल्ट बबल्स ऑफ ए गैस मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स. तो फिर ऐसे में इलेक्ट्रोड के पास कुछ गैस बुलबुला रहा होता है, निकलता है. डिपोजिट ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स. और इसके साथ साथ
कुछ मेटल्स इलेक्ट्रोड में डिपोजिट हो रहा है, ये भी हम देख सकते हैं। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशंस में आकर, और ऐसे में ये सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो सकता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। तो फिर हमने देखा कि ये पूरा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहा है, तभी तो उसका कलर चेंज हो रहा है। और द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। तो फिर ये रिएक्शन किस प्रकार का होगा, ये डिपेंड करता है हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया और कौन सा इलेक्ट्रोड लिया। यहाँ पर हमने कार्बन का इलेक्ट्रोड लिया है, तो फिर उसी हिसाब से होगा ये रिएक्शन। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो फिर ये है इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट, यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन के थ्रू, तो फिर ये सारे केमिकल इफेक्ट होता है। भुजो डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। भुजो ये जानना चाहा कि कुछ फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स, क्योंकि उसमें भी मॉइस्चर होता है, पानी पानी सा होता है, तो फिर क्या उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होता है। तो फिर आइए देखते हैं। ही कट ए पोटैटो इंटू टू हाफ्स एंड इंसर्टेड ए कवरवेयर ऑफ ए टेस्टर इंटू इट। वो एक आलू को दो पीस कर दिया और उसमें वो एक टेस्टर का दोनों एंड को डुबा दिया। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम एंड ही फॉरगॉट टू टेक आउट द वायर्स ऑफ द टेस्टर इंसर्टेड इंटू द पोटैटो। जैसे वो डुबाया था तो फिर उसी बीच उसके मम ने उसको कॉल किए बेटा बोल के, और वो चला गया। उसको पता ही नहीं था, वो भूल गया कि इलेक्ट्रोड उसको अंदर से निकालना है बोल के। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम एंड ही फॉरगॉट टू टेक आउट द वायर्स ऑफ द टेस्टर इंसर्टेड इंटू द पोटैटो। तो फिर क्या हुआ, व्हेन ही केम बैक आफ्टर हाफ एन आवर, वो तो आधा घंटा के बाद लौटा, अब क्या होगा। ही न्यू टच दैट देयर वाज अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट ऑन द पोटैटो अराउंड वन वायर, वेयर एज देयर वाज नो सच स्पॉट अराउंड द अदर वायर। उसने देखा कि एक वायर के चारों ओर ग्रीनिश ब्लू स्पॉट हो गया। आप फिगर में देख पा रही हैं 14.6 पोटैटो में डुबा गया दो इलेक्ट्रोड, जो कि एक वायर के चारों ओर कैसे ग्रीनिश ब्लू स्पॉट हो गया है, जबकि दूसरे इलेक्ट्रोड पास कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर ऐसा क्यों, आइए ये जानते हैं। इट वाज सरप्राइज्ड विद द ऑब्जर्वेशन एंड अलोंग विद पहली रिपीटेड दिस एक्टिविटी मेनी टाइम्स। तो फिर ये बहुत ताज्जुब कर देने वाली बात है। दे फाउंड दैट इट वाज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल व्हिच हैड ए ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड इट। हम वो जितने बार भी उसको ट्राई किया, वही सेम उसको दिखा कि पॉजिटिव टर्मिनल के पास ये जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, कलर्स आ रहा है। तो फिर दे फेल्ट दैट दिस डिस्कवरी वाज वेरी यूजफुल बिकॉज इट कुड बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल ऑफ ए बैटरी कंसील्ड इन ए बॉक्स। दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग्स टू द चिल्ड्रंस मैगजीन। तो फिर हमेशा उसने पाया कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसी के पास ही ये सारे ग्रीनिश ब्लूइश जो दाग हो रहा है, उसी से उसको अब ये आसान हो गया कि जहाँ पर ग्रीनिश ब्लूइश दाग हो रहा है वही हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। रिमेम्बर दैट वुजो सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अब ये देखने के लिए उसको उत्सुकता हो गया कि क्या पोटैटो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। व्हाट ही फाउंड वाज दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड ए केमिकल इफेक्ट इन द पोटैटो। अरे हाँ, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट भी हुआ है और इसके वजह से करंट फ्लो होने की वजह से उसका केमिकल इफेक्ट भी दिखने को मिल रहा है पोटैटो पे। टू हिम दिस वाज वेरी एक्साइटिंग, और ये तो बहुत ही मजेदार था। इनफैक्ट दिस इज हाउ साइंस समटाइम्स वर्क, ऐसे ही हमको हमारी विज्ञान काम का आ जाता है। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स। आप कुछ ढूंढ रहे होते हैं और आपको कुछ और जानकारी मिल जाता है। मेनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस मैनर। ऐसे ही तो नया नया डिस्कवरी मिलने को देखने के लिए मिला है। तो फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग 14.3 इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यू नो दैट ए ब्रांड न्यू साइकिल हैज शाइनी हैंडल बार एंड व्हील रिम्स। हाउएवर if there are accidentally scratched the shiny coating comes off revealing its not so shiny surface beneath। आप जब अपना साइकिल लाते हैं नया नया, तो फिर क्या होता है, उसका हैंडल बार तो बहुत चमकता है और हाँ, उसका जो व्हील रिम्स है
वो भी बहुत चमकता है, और किसी वजह से अगर वो थोड़ा एक्सीडेंट हो गया और उसमें थोड़ा छोटा सा स्क्रेच भी लग गया तो क्या होता है, कहीं कहीं पर दाग आ जाता है और शाइनी कोटिंग के नीचे जो ओरिजिनल कोटिंग है वो दिख जाता है। तो फिर यू माइट हैव ऑल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स, तो फिर ये क्या है, यानी कि उस समय ये पता चला कि ये जो शाइनिंग कोटिंग है ये परमानेंट नहीं है, उसी शाइनी मटेरियल से ये चीज नहीं बना है, ये ऊपर से सिर्फ एक शाइनिंग कोटिंग इसमें डाला गया है। तो ऐसे ही हमको और कहाँ कहाँ ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स, वुमेन कुछ ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं व्हिच अपीयर टू बी मेड अप ऑफ गोल्ड, जो कि गोल्ड में बना हुआ जैसे दिखता है। हाउएवर विथ रिपीटेड यूज द गोल्ड कंटेनिंग कोटिंग वायर्स ऑफ, तो फिर हम इसको बार बार यूज करेंगे तो ऑर्नामेंट्स में जो गोल्ड कोटिंग होता है वो उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है और वो चला जाता है, रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल्स बीनीथ, तो उसके नीचे जो ओरिजिनल मेटल से वो ऑर्नामेंट्स बना है अब वो दिखने लगता है। तो फिर ये जो ऊपर का कोटिंग है ये परमानेंट नहीं होता है, पर हाँ एक टेम्पररीली एक अच्छा सा लुक उसको दे देता है और इससे उसका चमक कई गुना बढ़ जाता है। इन बोथ दिस केसेस ए मेटल हैज ए कोटिंग ऑफ अनदर मेटल, हमने देखा चाहे वो बाइसाइकिल में हो या फिर वुमेन्स का ऑर्नामेंट में हो, एक मेटल का वो बना हुआ है और उसके ऊपर कुछ और मेटल का कोटिंग है। डू यू वंडर हाउ ए लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपोजिटेड ऑन टॉप ऑफ अनदर, आपको ये बहुत ताजुब हो रहा है कि एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल वाला डिपोजिट कैसे हो रहा है। वेल लेट अस ट्राई डूइंग इट आवरसेल्फ, आइए हम खुद ये करके देखते हैं। एक्टिविटी 14.7, विल नीड कॉपर सल्फेट एंड टू कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर, हम लेंगे दो एक कॉपर सल्फेट और टू कॉपर प्लेट्स लेंगे, हमको इसके लिए कॉपर सल्फेट चाहिए, दो कॉपर प्लेट चाहिए जिसका साइज 10 टू 4 सेंटीमीटर होगा, और हमको 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई बीकर चाहिए। एक बीकर में हम 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर लेंगे। आप डिजर्व दिस स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट, और कॉपर सल्फेट का जो हमने लिया था उसको डिस्टिल वाटर में डिजर्व करेंगे। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, और उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, जैसे हम पहले लेमन डाले थे या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले थे, अब हम डालने वाले हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इससे क्या होगा उसका कंडक्शन पावर और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, क्लीन कपर प्लेट्स विथ सैंड पाउडर, तो कपर प्लेट्स को हम सैंड पेपर से थोड़ा रफ कर देंगे तो और वो भी क्लीन और ये और भी क्लीन हो जाएगा। नाउ रिंस देम विथ वाटर एंड ड्राई देम, अब आप उसको पानी में थोड़ा रिंस कीजिए, धो डालिए और उसको ड्राई कर दीजिए। कनेक्ट द कपर प्लेट्स टू द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी एंड इमर्स देम इन कपर सल्फेट सॉल्यूशन, अब आप वो कपर प्लेट को टर्मिनल को बैटरी एंड इमर्स देम इन कपर सल्फेट सॉल्यूशन, बैटरी कनेक्शन कीजिए और उसको कपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालिए। अब क्या होता है देखते हैं, कनेक्शन ऐसा ही रहेगा जैसे हमको फिगर में बताया गया है। अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स, अब हम 15 मिनट के लिए करंट पास करेंगे। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली, अब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दीजिए और इलेक्ट्रोड्स को बाहर निकाल कर देखिए, सॉल्यूशन से बाहर निकालिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम, क्या आपको दोनों कपर प्लेट में से किसी में कुछ चेंज दिखाई दे रहा है क्या? डू यू फाइंड ए कोटिंग ओवर इट, क्या किसी एक के ऊपर आपको कुछ कोटिंग दिख रहा है? व्हाट कलर इज द कोटिंग, तो फिर ये कोटिंग का कलर क्या है? नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विथ व्हिच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड, तो फिर जिसके ऊपर कनेक्टेड दिख रहा है तो फिर आप ये देखिए कि वो कौन सा टर्मिनल था। तो नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विथ व्हिच द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड, कौन सा टर्मिनल के साथ ये इलेक्ट्रोड कनेक्टेड हुआ था। हमने पहले देखा था कि पॉजिटिव टर्मिनल में पोटैटो में कैसे ग्रीन स्ट्रक्चर आया था, तो फिर ऐसे ही यहाँ पर भी पता चल करना है हमको। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट, जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो क्या हुआ?
तो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट कर गया। डिसोसिएट कर गया मतलब क्या, कॉपर और सल्फेट दोनों आयनाइज होके, दोनों आयन, कॉपर आयन जो कि पॉजिटिव होता है, सल्फेट आयन जो कि नेगेटिव होता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्योंकि कॉपर पॉजिटिव है तो फिर कॉपर जाकर नेगेटिव टर्मिनल के ओर वो अट्रैक्टेड होगा और वहाँ डिपोजिटेड होगा, एंड गेट डिपोजिटेड ऑन इट, और वहाँ पर डिपोजिटेड हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में से जो कॉपर चला गया तो फिर उसी वो कॉपर आएगा कहाँ से, अब वो कॉपर आएगा फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, एक कॉपर प्लेट, क्योंकि अदर इलेक्ट्रोड जो है वो और एक कॉपर प्लेट है, उसी में से अब कॉपर डिपोजिटेड होने लगेगा सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन में से कॉपर जाएगा और डिपोजिटेड हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल के पास, ठीक है। तो एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, अब हो गया ना बैलेंस। तो फिर जितना सॉल्यूशन से कॉपर जाकर डिपोजिटेड हुआ था टर्मिनल के पास, नेगेटिव टर्मिनल के पास, इतना ही कॉपर अब दूसरे इलेक्ट्रोड से डिपोजिट हो जाए, डिजॉल्व होके आ जाएगा सॉल्यूशन में। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर, ऐसे में जो कॉपर लॉस हुआ था वो अब रिस्टोर हो गया, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, अब प्रोसेस चलता रहेगा। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर। तो फिर ऐसे ही कॉपर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड को ट्रांसफर हो गया। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यू हैव टू गिव द प्रॉपर डेफिनेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज, इट इज ए प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको हम विस्तार से समझते हैं कि हमको एक डिजर्ड मेटल चाहिए, जैसे सैकल में हमको क्या चाहिए, एक चमकीला कलर शाइनी क्रोमियम चाहिए, और ओरिजिनली वो किस मेटल से बना है, वो आयरन से बना है। तो फिर डिजर्ड मेटल जो होगा अनदर मटेरियल जैसे आयरन के ऊपर वो डिपोजिटेड होगा, और ये सब काम किसके द्वारा होगा, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगा तब ये सारे काम होगा, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फिर इस चैप्टर का नाम जो है केमिकल इफेक्ट, तो इसका बहुत ही यूज है, एप्लीकेशन है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन, बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है आजकल ये मार्केट में, इसकी वजह से सारी चीज सुंदर बन जा रहा है, और ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही संभव हो पा रहा है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए वेरी यूजफुल प्रोसेस, ये एक बहुत यूजफुल प्रोसेस है, इट इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद ए थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो फिर मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर और एक मेटल का एक थिन लेयर ऑफ डिपोजिट हो जाना, ये प्रोसेस आजकल इंडस्ट्री में बहुत चल रहा है। द लेयर ऑफ मेटल डिपोजिटेड हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी, जिस मेटल को हम डिपोजिट करना चाहते हैं, ऊपर का कोटिंग करना चाहते हैं, उसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, जैसे व्हिच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स, जो ओरिजिनल मेटल में नहीं होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स और साइकिल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मेनी अदर्स। जैसे क्रोमियम का जो शाइनिंग स्ट्रक्चर कलर है, शाइनिंग लुक है, वो हम देना चाहते हैं कहाँ कहाँ पर, कार की डिफरेंट पार्ट्स में, उसका हैंडल हुआ और कहाँ कहाँ पर, और फिर बाथ टैप्स में है ना, बाथरूम का टैप्स जो है कितना चमकीला होता है, और फिर किचन की गैस बर्नर में और साइकिल की हैंडल बार में, इसका व्हील रिम्स में, ये सारे हमको क्रोमियम का प्लेटिंग चाहिए। क्रोमियम है जो शाइनी अपीयरेंस, क्यों, क्योंकि क्रोमियम का एक शाइनी अपीयरेंस, बहुत चमकता है, एक डायनट कोरोड, और उसमें रस्ट भी नहीं होता है, इट रेजिस्ट स्क्रेचेस, और इसमें स्क्रेचेस भी आसानी से नहीं लगता। हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल
ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए हम पूरा का पूरा वो होल ऑब्जेक्ट इसी का नहीं बना सकते, सिर्फ इसका एक कोटिंग ही लगा सकते हैं। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम ए चीपर मेटल एंड ऑनली ए कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपोजिटेड। तो फिर ओरिजिनली वो कुछ सस्ता वाला मटेरियल से बनाया जाता है, चाहे साइकिल का हैंडल बार हो, और फिर ऊपर से क्रोमियम का एक कोटिंग लगा दिया जाता है। तो फिर ज्वेलरी मेकर्स ऑल्सो, ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट, ज्वेलरी मेकर्स जो है वो ऐसे इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, और सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स, सिल्वर को और गोल्ड को, यानी कि जो गोल्ड का नहीं होता है उसी के ऊपर गोल्ड का ऐसे प्लेटिंग चढ़ा देते हैं एक्सपेंसिव मेटल्स का। तो दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव, पर वो गोल्ड जैसे दिखता है पर होता नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, अफोर्डेबल रेंज होता है, और हमको वो सुंदरता भी मिल जाता है। ऐसे ही टीन कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोफ्लेटिंग टीन ऑन टू आयरन। अगर हम टीन कैन की बात लेंगे तो फिर वो टीन कैन जो है वो टीन का बना हुआ नहीं होता है, वो आयरन का बना हुआ होता है, उसके ऊपर टीन का प्लेटिंग होता है। तो टीन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि टीन जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, और फूड डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद आयरन एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो फिर जो भी हम खाना रखेंगे उसी टीन कैन के अंदर, तो फिर वो आयरन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और वो खराब भी नहीं होगा। आयरन इज यूज इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। आयरन कहाँ कहाँ पर यूज होता है, आयरन यूज होता है हमारे ब्रिज बनाने के लिए और ऑटोमोबाइल्स के लिए, क्योंकि आयरन बहुत स्ट्रांग होता है और उसका स्ट्रेंथ हमको चाहिए। हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट, पर सिर्फ आयरन को लेके हम अपना काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है बहुत जल्दी इसमें रस्ट आ जाता है तो फिर वो खराब हो जाएगा। तो सो ए कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपोजिटेड ऑन आयरन, इसीलिए आयरन के ऊपर जिंक का एक कोटिंग लगा दिया जाता है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो फिर इसी प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन कहते हैं। तो फिर आयरन जो कि हमको बहुत स्ट्रेंथ देता है, किसी भी चीज बनाओ आयरन का बनाओ वो बहुत दिन तक चलेगा, पर इसमें रस्ट आ जाएगा और लुक भी अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए उसके ऊपर एक जिंक का कोटिंग लगा दिया जाता है डिपोजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोशन। इसके वजह से क्या होगा, जिंक का कोटिंग में जल्दी से रस्टिंग नहीं होगा और कोरोशन भी नहीं होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट भी नहीं होगा। तो फिर इन द इलेक्ट्रोफ्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज ए मेजर कंसर्न। जो इलेक्ट्रोफ्लेटिंग का फैक्ट्रीज रहता है, इलेक्ट्रोफ्लेटिंग होने के बाद डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन, जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन रहता है उसका डिपोजिट करना एक बड़ी सी बात बन जाती है। तो इट इज ए क्यों, क्योंकि इट इज ए पोल्यूटिंग वेस्ट, ये दूषित प्रदूषण होता है, दूषित होता है। तो फिर देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट को हमको प्रोटेक्ट करके रखना है, इसीलिए हमको गाइडलाइन के ऊपर चलना पड़ेगा, और इसीलिए हमको इसका भी टेक केयर करना पड़ेगा कि डिस्पोजल वो पॉल्यूटिंग वेस्ट को डिस्पोज करने से पहले हमको कुछ रूल्स अपनाना होगा और उसको सेफली एनवायरमेंट में छोड़ना होगा। तो इसी के साथ हमारी ये चैप्टर खत्म होता है। होप यू एंजॉयड माय टीचिंग, थैंक यू। विद दिस वी कंप्लीट द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट चैप्टर अपलोडेड बाय मी। थैंक यू।